आज देश भर में मनाया जा रहा है रंगों का त्यौहार होली। बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाए जाने वाले होली त्यौहार को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद पूरा देश रंगों की मस्ती में डूबा है। होली को देखते हुए मुस्लिम समाज की नई पहल, यूपी के कई शहरों में जुम्मे की नमाज का वक्त बदला। अब 1 बजे की जगह 2 बजे होगी जुम्मे की नमाज। आपसी सौहार्द कायम रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। होली की धूम भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है। कराची में हिंदू समुदाय धूमधाम से होली मना रहा है। यहां स्वामी नारायण मंदिर परिसर में होली का जश्न मनाया गया। होली के दिन सीमा से भी बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर में LOC से सटे भिंबर गली सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 सैनिक मार गिराए हैं। सेना की जवाबी कार्रवाई में मारे गए पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तान की सेना ने अपने सैनिकों के मरने की पुष्टि की है। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी छात्रों की मांगे मानने को तैयार। CBI करेगी पर्चा लीक की शुरुआती जांच, गड़बड़ी निकली तो करेगी विस्तार से जांच। छात्र खत्म कर सकते हैं आंदोलन, आरोप है कि SSC की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया में लीक हो गया था। आपकी गाड़ी कमाई का पैसा लेकर विदेश भागने वालों पर लगेगी नकेल, कैबिनेट इसी सत्र में लाएगी बिल। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों की संपत्ति तुरंत जब्त करने का सरकार के पास होगा अधिकार, कैबिनेट में कल बिल को दी गई मंजूरी। 12,700 करोड़ के PNB घोटाले में आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में दोनों की 41 संपत्तियां जब्त की। अब तक 7,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। SBI, ICICI बैंक और PNB बैंक के कर्ज की दरें बढ़ाने से आपकी जेब पर EMI का बोझ बढ़ गया है। अगर आपको 25 लाख का लोन है तो आपको 300 रुपए हर महीने ज्यादा देने होंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नारायण राणे महाराष्ट्र से BJP की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। राणे के अलावा प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। गुजरात के दाहोद में भीषण सड़क हादसा, दाहोद के भट्टी डोडी शहर में गांव में भी 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर में 5 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।